बलवंत साहब, अगला प्रश्न हम शामिल कर रहे हैं, ये दिल्ली से है, आशीष कालरा साहब की तरफ से है। आशीष कालरा साहब ने मेंशन किया है इनका स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट कार्ड रहा और इन्होंने उसकी टाइमली जिस तरह से यूज करने के बाद क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स भी की हैं, लेकिन समहाउ मिस्टर कालरा, हम देख रहे थे आपके प्रश्न में जो आपने मेंशन किया कि आपने टाइमली पे किया, उसका कंप्लीट प्रूफ्स भी आपके पास हैं, लेकिन आपके सेविंग बैंक अकाउंट से वो जिस तरह से रिफ्लेक्ट थोड़ा सा डेबिट हो गया है, लेकिन समहाउ अभी तक आपको बैंक की तरफ से सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया था। अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है मिस्टर कालरा? लेटेस्ट एक्चुअली क्या हुआ, मैंने लास्ट मंथ जून में अपनी कंप्लीट पेमेंट जो जून की थी वो की थी मैंने विद वाया चेक जी, और वो चेक क्लियर भी हो गया था 3 दिन के अंदर, 11th जून को क्लियर हो गया था, डेबिट हो गया मेरे अकाउंट से जी, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्टेटमेंट मेरे पास आया 27th जून को, उसमें उन्होंने बोला कि आपका ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, उस पर इंटरेस्ट और सब लेट फीस और सर्विस टैक्स और सब कुछ उन्होंने ऐड किया। आपने बैंक को ये कंप्लीट जो आपके पास ऑलरेडी, क्योंकि जिस डेट को ये आपका अकाउंट डेबिट हुआ एंड फिर उसके बाद आपने मेंशन किया कि आपने वो चेक की पेमेंट की वो स्कैन कॉपी भी आपके पास, आपने उसको भी जिस तरह से हासिल किया, आपने ये सब कुछ शेयर किया बैंक को, आपने बताया कि आपके एंड पे कोई इस तरह से डिले नहीं हुआ है? जी, कस्टमर सर्विस वालों ने मुझे बताया स्टैंडर्ड चार्टर्ड में कि आपने गलत चेक नंबर, गलत कार्ड नंबर लिख दिया चेक पे, इसीलिए वो सस्पेंस अकाउंट में आपका पैसा रखा हुआ है। बट मैंने अपने बैंक से चेक किया, जो चेक इशुइंग बैंक है, वो उन्होंने बोला आपने बिल्कुल ठीक क्रेडिट कार्ड नंबर लिखा है। ओके। और मैंने वो चेक की कॉपी भी मंगवा ली right. और अभी वो कॉपी भी मेरे पास है जो मैं उनको भेज चुका हूँ, लेकिन अभी तक सेटल नहीं हुआ है। करेक्ट चेक कॉपी अभी तक सेटल नहीं हुआ कुछ भी। ये बड़ा बलवंत साहब काफी स्ट्रेंज है, क्योंकि समहाउ इतना टाइम नहीं लगता है इनके केस में, जैसे बता रहे हैं इनके अकाउंट से डेबिट हुआ है लेकिन समहाउ अभी तक वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन फुली रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। इनके पास अपने प्रूफ्स भी हैं, लेकिन ये अब इसको पहले बैंक में ही इसकी जिस तरह से जो नोडल ऑफिसर रहते हैं, क्या उनसे मतलब इसको शिकायत करें रिटर्न में करें, एंड कितने दिन तक वेट करें अगर सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है नेक्स्ट लेवल पर मूव करें, उससे पहले कितना टाइम दिया जाए इस पूरे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफी समय लग चुका है? देखिए आशीष जी, ऐसा है कि आपका, आपके पास में रिटर्न एविडेंस वगैरह है कि आपने पेमेंट वगैरह कर दिया है और आपने कस्टमर केयर सेंटर को बता ही दिया, वहाँ से आपको सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मेरा सुझाव रहेगा कि जो बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का जो नोडल ऑफिस है, ऑफिसर है, वो उसकी डिटेल उसकी वेबसाइट से मिल जाएगी, वहाँ पे आप रिटर्न में कंप्लेन कर दीजिए, इसके साथ में ये जो आप बता रहे हैं कि आपका बैंक में डेबिट हो गया, चेक का कॉपी भी मंगवा लिया है, वो अटैच कर दीजिए और 30 दिन तक वेट करिए। 30 दिन तक अगर, मेरे को तो लगता है वो आपका जो जो इश्यू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, परंतु अगर रिजॉल्व नहीं होता है या उनका जो जवाब आता है उससे आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो RBI की साइट पे जो बैंकिंग ऑम्बड्समैन है वहाँ आप कंप्लेन कर दीजिए, तो वो इनवेरिएबली बैंकिंग ऑम्बड्समैन अगर मैटर हाथ में ले लेगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। परंतु जब मेरा आपसे सुझाव रहेगा कि जब तक आपकी ये समस्या सॉल्व नहीं होती है, आप इसके पीछे लगे रहिए, नहीं तो आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है और क्रेडिट स्कोर है उस पर भी एडवर्स इम्पैक्ट आ जाएगा, और जिससे आपका क्या भविष्य में भी बोरो करने की जो आपकी एबिलिटी है उसको नुकसान हो जाएगा। तो आपको बलवंत साहब ब्रिंग इट टू लॉजिकल कंक्लूजन जी, जैसे ये बता रहे हैं और जैसे इन्होंने टाइमली किया और सब प्रूफ्स हैं, तो इनके एंड पर तो ऐसा फॉल्ट नहीं है, लेकिन समहाउ मतलब इनको लेंडर को कन्विंस करना होगा और ये सब दिखाना होगा, सो दैट मतलब आगे चलते हुए दूसरे लेंडर्स का प्रॉब्लम ना फेस करें, आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मतलब नहीं, क्या होता है कि अगर जैसे डिले हो गया या ये पेमेंट नहीं हुआ, डिफॉल्ट में आ गया, और अगर ये बैंक सिबिल को रिपोर्ट करती है तो उनका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो एडवर्सली इम्पैक्ट होता है, तो मेरा सुझाव है कि फिर ये जो गलती हो गई है उसको सुधरवा लीजिए आप पीछे पढ़ के कैसे भी करके, जैसे आपको भविष्य में कभी भी कोई बैंकिंग सिस्टम से बोरो करना है तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। जी, ये डिटेल्स हैं इनफैक्ट बैंकिंग ऑम्बड्समैन की, रिजर्व बैंक की जो हम रन कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप लेटर ऑन अगर आपको यहाँ पर रिजॉल्व नहीं होता है तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं, लेकिन इसको आप प्रोसीव करते रहें और इसको आप जल्द से जल्द इसको क्लियर करने की कोशिश करें। बाकी जो भी फीडबैक मिलता है आप, हम आपके फीडबैक का इंतजार भी करेंगे आपको जिस तरह से यहाँ से रिप्लाई मिलता है। आइए हम अगला प्रश्न एक शामिल करते हैं।